इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो के अपडेट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब औरत का निकाह करने के बाद ये पता चले कि जिस मर्द से उसका निकाह हुआ है वो हम बिस्तर करने के लायक ही नहीं है, वो एक नामर्द है, तो बीवी क्या करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दिली गुजारिश करता हूँ, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करे, दिल से शेयर करें। दोस्तों, अगर शोहर नामर्द हो और ये बात शादी के बाद बीवी को पता चले तो बीवी को क्या करना चाहिए, इस हवाले से इस्लाम का क्या हुक्म है और हमारे प्यारे आका वो मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है और मेहरबानी करके आगे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर मर्द औरत में एक दूसरे की सोबत से सकून हासिल करने और लुत्फानंदाज होने का जो ख्वाहिश रखी है, इस्लाम में इसे निकाह कहा गया है। निकाह करना हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। निकाह करने से इंसान जीना जैसे बड़े गुनाह से बचता है। दुनिया में जिस तरह सारे लोग एक जैसे नहीं होते, ठीक उसी तरह किसी मर्द में औरत के साथ अंबिस्त्री करने की ख्वाहिश ज़्यादा होती है, किसी मर्द में अंबिस्त्री की ख्वाहिश कम होती है और किसी मर्द में अंबिस्त्री की ख्वाहिश 0% यानी होती ही नहीं। जब शोहर में अंबिस्त्री करने की ख्वाहिश ज़्यादा हो और औरत में ना हो, फर्स्ट कंडीशन ये होती है। सेकंड कंडीशन में बीवी की अंबिस्त्री करने की ख्वाहिश ज़्यादा हो और उसके शोहर में नहीं हो, तो इस कंडीशन में दोनों मियाँ बीवी गैर लोगों से नाजायज रिश्ते कायम करेंगे। इस तरह बीवी अपने निकाह के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती है। दोस्तों, जब किसी बीवी का शोहर नामर्द हो, अंबिस्त्री करने लायक न हो, तो ऐसी माँ बहनों को चाहिए कि शोहर जिस हाल में रखे उसी हाल में बीवी का रहना चाहिए और शोहर का साथ देना चाहिए, बीवी का सब्र करना चाहिए और अपने शोहर का इलाज करा लेना चाहिए। और अगर शोहर इलाज लेने से मना कर दें और औरत को कोई गलती या सब्र करने में हिम्मत न हो तो बीवी को अपने शोहर से तलाक लेना चाहिए। हदीस पाक में आता है कि एक औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरा शोहर अंबिस्त्री करने लायक नहीं है, मैंने बहुत सी बार तलाक देने को कहा लेकिन वो राजी नहीं होता। तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाया और कहा कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, और उस शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और औरत ने तलाक ले लिया।